जनता को लुभाने का काम भाजपा करती है। हमारी काम हमारा कोई जनता को लुभाने वादे हमें करने नहीं आते, जुमलेबाजी हमें करने नहीं आती। जनता ने हमें 49 दिन में देखा था, जिसमें उसने हमें 67 की सीट दी। जब जब भाजपा को डर लगता है, जब पुलिस को आगे करता था, आज भाजपा में अगर किसी को डर है तो हमसे डर है। हमें तोड़ नहीं पाए, हमें खरीद नहीं पाए, तो आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए एक अपना तुगलकी फरमान जारी करवा दिया कि आज से 20 विधायक जो है वो निलंबित कर दिए जा रहे हैं। भाजपा के शासन में आज दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, युवा परेशान है, तो देश बचा कहाँ? उन्होंने कहा देश बिकने नहीं देंगे। सही बात थी, क्योंकि देश बिकने की जिम्मेवारी तो भाजपा ने ली हुई है, वो कांग्रेस से कैसे बिकने देंगे? आज देश में इतने बुरे हालात कर दिए गए हैं कि मुझे डर है कि अगर ये हालात बरकरार रहे, बने रहे, तो आने वाले समय में देश का वही अश्न होने वाला है जो पड़ोसी मुल्कों का हो रखा है, जो पड़ोसी देशों का हो रखा है। आपको विधानसभा में घूम रहा था, मैंने कई लोगों से बात की, चुनावी वोटर विधानसभा आ चुकी है और तमाम कार्यकर्ता जो जोश में नजर आ रहे हैं आपको, इस बार अगर कहा जाए तो ये शॉर्ट टर्म आपके बिल्कुल रहा और बिल्कुल इसमें आपको एकदम से दोबारा से आना पड़ेगा। ऐसे में आपकी तरफ से पिछले 3 सालों में कौन कौन से काम कराए गए जिनको लेकर आप जनता जीत जा रहे हैं? देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया, हमारी ईमानदारी पे मैंडेट दिया, 67 सीट दी। हम उसी पे जितने काम यहाँ पे अभी 3 सालों में हुए, कोल्ली अगर विधानसभा की बात करें तो पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इतने काम यहाँ पे हुए हो। यहाँ पे सीवर की लाइन को चेंज करवाया जा रहा है, यहाँ पे पानी की लाइनों को चेंज करवाया जा रहा है। यहाँ पे 90 में जब यहाँ असेंबली भी दिल्ली में नहीं थी, उस समय का एक बरातघर था, उसके बाद 15-20 सालों में कोई बरातघर यहाँ नहीं बना। उसके बावजूद हमने यहाँ पे एक नया बरातघर बना के दिया, जो पुराना बरातघर था उस पर एक इमारत और चढ़ाई जा रही है। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोल करके हमने दिया है इन्हों को, गलियों का निर्माण किया, पूरे क्षेत्र में देखेंगे चारों तरफ आपको सुरक्षा की दृष्टि से गेट लगवाए गए हैं, स्कूलों में शिक्षा अच्छी हुई है। सरकार के कामों को देखा जाए तो सरकार के काम दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता नहीं, आज पूरा विश्व देख रहा है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, स्वास्थ्य अपने जनता का अच्छा करना है, तो जाके केजरीवाल सरकार से 40 देशों के अंदर देखा जाए तो जब सम्मेलन होता है शिक्षा को लेकर के, तो मुझे फख्र होता है अपने शिक्षा मंत्री को, भारत का शिक्षा मंत्री कहते हैं, क्योंकि आज दिल्ली का नहीं देश के किसी भी बच्चे से पूछेंगे शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो एक नाम जानते हैं कि माननीय मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा में वो क्रांति लेकर के आए कि 3 सालों में शिक्षा का स्तर वो ऊपर लेकर के गए कि आज बाहर कहा जा रहा है कि अगर कोई शिक्षा मंत्री है, कोई पद्धति बहुत अच्छा काम कर रही है, वो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, मनीष सिसोदिया की सरकार है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। इतनी सारी जनता को दिखाई दे रहे हैं, पिछले 3 वर्षों में बिजली के जो दाम आधे किए गए थे आज भी आधे हैं, आज भी एक नया पैसा बिजली में नहीं बनाया गया, और इस वर्ष तो हमारी सरकार बिजली का और दाम कम करने वाली है। पानी जो 20,000 लीटर मुफ्त था आज भी मुफ्त है। इतनी सारी चीज़ें हैं जनता के सामने, उन्होंने हमारी ईमानदारी को देखा है, हमारे काम करने की शैली को देखा है, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश और इन्हों को लड़ते हुए हमसे देखा है कि भाई उनकी गलियों का काम नहीं होगा तो वो हमसे भी जाके लड़ते हैं विधायकों से, मंत्रियों से। कौन कौन से काम अभी रह गए जो आपको पूरे? देखिए, काम तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी हमारी कोल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 नए बरात घरों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे अस्पताल LBS है, जो हमने 500 बेड और पास करवा दिया, जिसकी इमारत इस साल बननी शुरू हो जाएगी, जो फाइनेंस में सेक्रेटरी ने रोक के रखी हुई है, ये बड़े काम है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं अभी बाकी हैं जो पूरे करने हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में सारी सिविल लाइन चेंज नहीं हुई है। जहाँ जहाँ कंप्लेंटें ज़्यादा आती थी वहाँ की सिविल लाइन चेंज हुई है। कोल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 90% एरिया में कल्याणपुरी खिचड़ीपुर को छोड़ के बाकी कहीं एरिया में सीवर लाइन नहीं थी, वहाँ आज पूरी कोल्ली क्षेत्र के अंदर सीवर की नई लाइन डाली गई है, पानी की नई लाइनें डाली गई हैं, IGL की लाइनें डाली गई हैं, ये तमाम सड़कें बनाई गई हैं, गलियाँ बनाई गई हैं। दल्लूपुरा में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 3 मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, क्योंकि किराएदार बहुत ज़्यादा है, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को हम ही देखेंगे, कौन देखेगा? उनके लिए स्कूलों का अच्छा किया जा रहा है। वहाँ आज भी ऐसी बहुत सारी गलियाँ जिनमें कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, यानी 20 सालों से विकास वहाँ नहीं हुआ था, पिछले 3 सालों में हमने उसके अंदर 22 से ज़्यादा गलियाँ हमने बना करके दी है, जो लगातार हमारा निरंतर प्रयास है कि हम अपनी कोल्ली को सबसे सुंदर बना करके छोड़ें।